शहर के प्रतापनगर बेलतरोड़ी और जरीपटका इलाके में चोरी की अनेक वारदातों को अंजाम देने वाली उड़ीसा की अंतर्राज्यीय सेनमार टोली के 2 सदस्य पुलिस के हाथ लगे हैं। आरोपियों में भुवनेश्वर निवासी प्रशांत कुमार, सुमन करार और श्रीकांत करुणाकर सेठी का समावेश है। आरोपियों से पुलिस ने 38,12,000 रुपए कीमत के 951 ग्राम सोने के गहने जब्त किए हैं। कुख्यात सेनमार प्रशांत कुमार के खिलाफ अनेक राज्यों में 10 से ज्यादा चोरी के मामले दर्ज हैं। अपर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने बताया कि सेनमार प्रशांत कुमार 6 माह से नागपुर आकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। वह कुछ दिनों के अंतराल में ट्रेन से रात को नागपुर पहुंचता था। इसके बाद प्रतापनगर, बेलतरोड़ी और जरीपटका इलाके में घूमकर बंद मकानों और गहरी नींद में सोए परिवारों के घर में घुसकर नकदी और गहनों पर हाथ साफ करके भुवनेश्वर फरार हो जाता था। गश्ती टीम की त्रिमूर्ति नगर चौक के पास बैग लटकाकर जा रहे संदिग्ध प्रशांत कुमार पर नजर पड़ी। उसे रोककर बैग की जांच करने पर पुलिस को चाकू, नकदी और गहने सहित 3,40,000 रुपए का माल मिला। प्रशांत को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ करने पर उसने चोरी कबूल कर गहने श्रीकांत के जरिए बिक्री किए जाने की जानकारी दी। पत्र परिषद में DCP लोहित मतानी, वरिष्ठ PI विद्या जाधव, पुलिस निरीक्षक अरविंद रघुवंशी, PSI वारगल और टीम उपस्थित थी। पोलीस स्टेशनला माहिती आली की एक ठिकाणी घर चोरामध्ये घरात चोर घुसलेला आहे। त्या माहितीवरून पोलीस स्टेशनचं DV स्क्वॉड या ठिकाणी हजर असलेले सर्व स्टाफ, सिनियर PI, क्राईम PI सर्व तत्काळ त्या घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी त्या घराच्या परिसरात कॉर्डन ऑफ केला आणि नंतर ते जो आरोपी आहे तो घरातून पळताना त्याला पाठलाग करून पोलिसांनी पकडला। आरोपीला पकडल्यानंतर ते निष्पन्न झाला की सदर आरोपी हा जो आहे उड़ीसा राज्यातून येऊन महाराष्ट्रातील नागपूर शहरामध्ये आणि इतर काही ठिकाणी हा घरफोडीचे सारखे मोठे घरफोडी करायचा। त्याची मोडस ऑपरेंडी अशी होती की हा रात्रीच्या वेळेस नागपूरला पोहोचायचा रायपूरहून आणि मोठे घर जे आहे, मोठे बंगलोज विशेष करून, अशा बंगलोजमध्ये रात्रीच्या वेळेस मागचा दार असेल किंवा मग पुढचा दार असेल या दाराच्या चिटकणीमध्ये रॉड टाकून तो तोडायचा तो कुलूप आणि आतमध्ये प्रवेश करून घरात चोरी करायचा। घरात लोक असतानासुद्धा यांनी काही ठिकाणी चोरी केलेली आहे। हा जो आहे सरीत गुन्हेगार आहे। नंतर याच्या रेकॉर्डवरून समजलं की हा उरिसा राज्यातल्या भुवनेश्वर, गंजम अशा जिल्ह्यामध्ये अनेक ठिकाणी घरफोडी केलेले आहेत। त्याच्यावर उरिसामध्ये, तमिळनाडूमध्ये हे आणि छत्तीसगड इथे घरफोडीचे गुन्हे दाखल आहेत आणि हा एकटाच काम करत असल्यामुळे याच्या काही वेअरअबाउट्स कधी मिळत नव्हते। मागील 3 महिन्यापासून ह्यांनी जवळपास आता 16 घरफोडीचे गुन्हे नागपूर शहरातले उघडकीस आलेले आहेत। विशेष करून RP नगर आणि आमचे बेलतोरडी पोलीस स्टेशनातले मनीष नगर या भागातल्या मोठ्या घरांमध्ये त्यांनी चोरी केली होती। याचा साथीदारसुद्धा एक ताब्यात घेण्यात आलेला आहे। जो मुद्देमाल म्हणजे विशेष करून गोल्डचा जो मुद्देमाल आहे तो हा डिस्पोज करण्यासाठी याची मदत करायची। पुलिस जांच में आरोपी प्रशांत ने प्रताप नगर में 7, बेलतरोड़ी में 6 और जरीपटका इलाके में 3 चोरियों सहित कुल 16 घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसकी पुलिस को पुष्टि हो गई है। इसके बावजूद पुलिस को और भी घटनाओं में आरोपियों के लिप्त होने की आशंका है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज़ नागपुर।